नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ हरीश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो बैंक पीओ, क्लर्क, एसएससी या फिर इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट या फिर आईटी ऑफिसर, सभी में पूछे जाने वाले बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन है। इससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, आप मेरे सारे वीडियो अनअकैडमी पर देख सकते हो। अनअकैडमी मुझे फॉलो करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। आज के इस वीडियो में अपन कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं सीडीएमए। दोस्तों, सीडीएमए की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की फुल फॉर्म है। ये मोबाइल नेटवर्क में स्थापित करने की व्यवस्था है। दोस्तों, पहले दो टाइप की सिमें आती थी, सीडीएमए और जीएसएम। तो ये सीडीएमए वाला था, ये वो कोड डिवीजन होता था, और ये ग्लोबल सिस्टम में होता है जीएसएम में, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर में यह अंतर है कि कंप्यूटर को एक साथ कई निर्देशों या समूह दिया जा सकता है, जबकि एक साथ कई कार्य कर सकता है। इसके विपरीत कैलकुलेटर केवल एक ही निर्देश किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था वो सिर्फ कैलकुलेशन आधारित ही था। कैलकुलेटर को ही कंप्यूटर कहा गया था, ये आप विशेष तौर से ध्यान में रखें। नेक्स्ट है प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ने 1961 में किया। प्रथम आईसी चिप का निर्माण 1961 में हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकर्ण की लंबाई में मापा जाता है। जैसे कि विकर्ण का सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी की डिस्प्ले मापनी हो, फोन की हो गई या फिर मॉनिटर की हो गई, टीवी की हो गई, तो उसके तिरछे रूप में मापा जाता है। जैसे कि अपनी ये टीवी है, तो इसका जो ये तिरछापन है इससे मापा जाता है, ना कि इस टीवी को ऐसे या फिर ऐसे मापा जाता है। सिर्फ विकर्ण के रूप में ही टीवी की आकार मापा जाता है। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार आईबीएम के वैज्ञानिक एलोन शुगर्ट ने किया 1971 में। फ्लॉपी डिस्क, दोस्तों फ्लॉपी डिस्क मार्केट में आती है बहुत कम, 1.44 MB के लिए आती है जो सबसे प्रसिद्ध है। इससे बहुत इसके अलावा भी वेरिएशन आते हैं मार्केट में, लेकिन 1.44 MB वाली सबसे पॉपुलर है। नेक्स्ट है पॉपअप वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाला विज्ञापन का विंडो है। दोस्तों, अपन कई बार एप्लीकेशन चलाते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या फिर कई बार अपने पीसी में चलाते हैं, तो पॉपअप खुलते हैं, कोई आपको इनाम लगा है या फिर कई एड दिखते हैं, तो ये सारे पॉपअप कहलाते हैं। ये एड के दौरान या फिर और पर्टिकुलर किसी विशेष कार्य को दर्शाने के काम में आते हैं पॉपअप। नेक्स्ट है कीबोर्ड की संरचना के निर्माण का श्रेय क्रिस्टोफर लोथम सेल्स को जाता है। दोस्तों, कीबोर्ड में 104 कीज होती है मानक कीबोर्ड में, आप ध्यान रखें जी। नेक्स्ट है डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क डीसीडी का आविष्कार 1965 जेम्स रसेल ने किया था। दोस्तों, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, इसमें लगभग 700 MB अपन डाटा स्टोर कर सकते हैं, जबकि डीवीडी में लगभग 4 GB अपन डाटा स्टोर कर सकते हैं। 4 ज्यादा होती है, एवरेज 4 बता रहा हूँ। नेक्स्ट है बॉब नोई तथा गार्डन मुरे ने सम्मिलित रूप से इंटेल नामक कंपनी की स्थापना की थी। दोस्तों, इंटेल नामक जो कंपनी है वो कंप्यूटर के प्रोसेसर का निर्माण करती है। नेक्स्ट है मोटोरोला के मार्टिन कूपर, मोटोरोला के डॉक्टर मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। पूछा जाता है मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया, तो मार्टिन कूपर ने। अभी कुछ क्वेश्चन पहले सीडीएमए आया था, अब जीएसएम है। जीएसएम की फुल फॉर्म देख लो दोस्तों, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और उसमें था कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इन दोनों की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आप ध्यान में रखें इनकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट है कंप्यूटर में स्टैंड बाय मोड में मॉनिटर तथा हार्ड डिस्क ऑफ हो जाता है ताकि कम ऊर्जा खपत हो। किसी भी बटन को दबाने या माउस पर क्लिक करने पर कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड से बाहर आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब ये चलती है स्टैंड बाई मोड में, तब हार्ड डिस्क और मॉनिटर बंद हो जाता है, तो बैटरी भी कम हो जाएगी। इसमें अपने को लगता है कि बंद हो चुका है, लेकिन वो बंद नहीं होता स्टैंड बाई मोड में। जब भी अपन माउस को हिलाते हैं तब वापस डिस्प्ले ऑन हो जाती है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल माउस में माउस पैड की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता।
पहले दोस्तों माउस के अंदर छोटी सी बॉल लगी हुई रहती थी, इस कारण उसको घुमाने की जरूरत पड़ती थी, तो उसी से वो उसका मूवमेंट तय होता था। लेकिन ऑप्टिकल माउस में ऐसा कुछ नहीं होता है, सीधी लेजर होती है, लेजर लाइट से वो पता कर लेता है, तो उसमें माउस पैड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से। नेक्स्ट है हाइपर टेक्स्ट, एक डॉक्यूमेंट है जो उस वेब पेज को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ता है। दोस्तों HTML एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये उसमें सारे हाइपर टेक्स्ट टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि वेब पेज बनाने को काम में आते हैं। एक तरह से कह लो वेबसाइट बनाने की सबसे जो बेसिक लैंग्वेज है वो HTML है, वेब पेज बनाने के लिए, वेबसाइट नहीं, वेब पेज के लिए। नेक्स्ट है ब्लॉग, शब्द वी ब्लॉग से बना है, किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्मित वेबसाइट है जहां अपने विचार अनुभव या जानकारी रख सकता है। इसे वेबसाइट को पढ़ने वाले अन्य व्यक्ति भी इस पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। तो ये ब्लॉग बनाते हैं दोस्तों, आजकल लाइफस्टाइल ब्लॉग होते हैं, फोटोग्राफी ब्लॉग होते हैं, या फिर रिव्यू ब्लॉग होते हैं, या फिर अनबॉक्सिंग ब्लॉग होते हैं, जिसमें आप लोग अपनी पर्टिकुलर व्यक्तिगत जानकारी देते हैं, तो ये ब्लॉग कहलाते हैं। या फिर कोई रिव्यू हो गया किसी चीज का, किसी भी टाइप से जो होता है वो ब्लॉग कहलाता है। बीटा रिलीज, किसी सॉफ्टवेयर या तकनीक की उपयोगिता को परखने के लिए निर्माण के दौरान उसे बाजार में जारी करने को कहा जाता है। बीटा रिलीज इन द सेंस ही कह सकते हो कोई नया सॉफ्टवेयर आया है उसका, तो मान लो उस सॉफ्टवेयर को मार्केट में उतारना है, वो पेड है, मतलब कि उसके पैसे लग रहे हैं, तो क्या करता है कंपनी की पहले बीटा रिलीज जारी करता है, उसके सारे फंक्शन आपको नहीं देता है, टेस्टिंग के लिए कुछ फंक्शन वो फ्री में दे देता है, आप टेस्ट करके बताओ कैसा होता है, उसको बीटा रिलीज कहा जाता है, आप इसे ध्यान में रखिए, बीटा बीटा वर्जन। नेक्स्ट है दोस्तों, डॉक्टर डगलस इंजेलबर्ट ने माउस का निर्माण 1964 में किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डगलस इंजेलबर्ट 1964 में माउस का आविष्कार किया है। नेक्स्ट, प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय टिम बर्नर्स ली को जाता है, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक किया जाता है। दोस्तों 1990 से 1991 के बीच में इसका आविष्कार माना जाता है, WWW का। नेक्स्ट है, बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट फोन में भी उतर आया है, लूमिया सीरीज जिसके इसने फोन उतारे थे, हाल ही में एंड्रॉयड फोन भी उतार दिया इसने। लेकिन जो इसकी सबसे जो मानक चीज है वो है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके MS Office, ये सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। नेक्स्ट है, बिल गेट्स की प्रसिद्ध पुस्तक द रोड अहेड 1995 में लिखी गई थी। पूछा जाता है द रोड अहेड किसके द्वारा लिखी गई है। वर्तमान में बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, इतना पैसा आ गया है कि अब सामाजिक कार्य ही चल रहे हैं इनके, काफी धनी है ये बिल गेट्स, सब वर्ल्ड के सबसे नंबर वन धनी है ये। नेक्स्ट है, भारत के सबीर भाटिया ने फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल को जन्म दिया था। पूछा जाता है हॉटमेल कहाँ की कंपनी है, तो ये भारत की है जो सबसे पहले फ्री ईमेल सेवा प्रदाता रही हुई है। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ एक बेतार तकनीक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा मोबाइल फोन के जरिए कम दूरी में कंप्यूटर और विभिन्न उपकरणों को जोड़ा जाता है। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है और आपको कम दूरी में आप डाटा शेयर कर सकते हो इसमें। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने कंप्यूटर के क्वेश्चन देखे थे, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अलविदा।